BGM দে। हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में। और आज हम लेके आए विक्रम मूवी के पोस्टर का मैंने इंट्रो सीन का रिएक्शन, बिकॉज यहाँ पे है संदनम का इंट्रो हो चुका है। अब उसके बाद वो क्या करने वाला है, कैसे करने वाला है, वो चीज़ हमें देखने को मिलेगी। और क्या होता है पता नहीं, मूवी बहुत ही धांसू बनती जा रही है धीरे धीरे, एंड कमाल का मजा ही आता जा रहा है। एंड बाकी जहाँ तक बात करें, लाइक इन्होंने संदनम ने एक नाम लिया था रोलेक्स करके। सो लाइक मैंने जब देखा है रोलेक्स जो है उसके बहुत ज़्यादा, उसका BGM भी बहुत फेमस है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसके बारे में। सो देखना होगा रोलेक्स कौन है इस मूवी के अंदर और कैसे है। भाई पूरी मूवी अभी तक ऐसे रही है कि सारी मूवी ही सीन्स निकल के आ रही है और सब सीन ऐसे ही है कि हम लोग देखे उसे बैठ के, क्योंकि सबका इंट्रो जो है फिर इंटरोगेशन की गई है इस मूवी में, इतने कमाल के दिखाए गए हैं। एक एक कैरेक्टर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो विलन हो, चाहे पुलिस हो, और चाहे वो इंस्पेक्टर हो वो जो इंटरोगेट कर रहे हैं। और सबका कैरेक्टर काफी अलग ही दिखाया गया है, थोड़ा कॉमेडी भी। उनकी फैमिली बैकग्राउंड जैसे हमने विजय सेतुपति का देखा, वो थोड़ा अलग ही कॉमेडी लग रहा है, और उनका कैरेक्टर एकदम डिफरेंट। देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। भाई कैसा होगा आप भी देखो, हम भी देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। सर 30-35 किलो ना सिमंड मोटिया एंड शी इज 25 डे 5 वेरी एक्रोबैटिक। एक्चुअली உங்களுக்கு என்ன மாதிரி பொண்ணு வேணும்? இவரே தெரியுமா? ஓ நல்லா தெரியுமே, அடிக்கடி வந்து போவார். ஃப்ரீக்வெண்ட் கிளையண்ட். வரும்போது எந்த பொண்ணு கிட்ட போவாரோ எனக்கு அந்த பொண்ணு வேணும். ஓ கேவா ப்ளஸ் மேங்கி ஹே படி अच्छा खासा खर्चा बढ़ गया बेचारों को। ओह पबजी खेल रहे वो। உனக்கு 2 மணி நேரம் தான், ஆரம்பிக்கலாமா? ஓகே ஓகே நோ ப்ராப்ளம். வெயிட் வெயிட் இட்ஸ் ஓகே, இல்ல பரவாயில்லை. இவரே தெரியுமா? ஐயோ இவரே நல்லா தெரியுமே, ரெகுலர் கஸ்டமர். இவர்னால தான் நான் காரை வாங்கினேன். இவருக்கு பண்ண மாதிரியே எக்ஸாக்ட்டா உனக்கு பண்ணுமா, இல்ல நம்ம வேற மாதிரி ட்ரை பண்ணலாமா? இவர் பண்றது இல்ல எனக்கு அதான் பண்ணு. அவன் தான் சேம். ஓகே தா என்னது ஹேண்ட்கஃப்? ஹ உங்க BDSM பசந்த கா ரெடியா? நீ ஃபர்ஸ்டா நான் ஃபர்ஸ்ட்? சரி நானே பண்றேன். இப்படிதான் நான் கத்திட்டே இருப்பேன், அவர் ஜன்னல் வழியா வெளில போயிருவாரு. ஒன் அவருக்கு அப்புறம் திருப்பி வருவாரு, ஹேண்ட் கஃப் எடுத்துட்டு போயிருவாரு. இந்த ஜன்னல் தான். சப் பைசா பர்கே சப் குச் பாக்கே बालकनी बार क्या है? ओ BGM दे। माय गॉड, अलग ही वो आदमी थे भाई। मतलब कहाँ जाके क्या ढूंढेंगे? अच्छा वो कैसे हो गया? हाँ। यार ये मूवी बहुत धांसू है यार। क्या करते थे? आराम से खड़े हैं। एक घंटा खड़े होके क्या करते थे वहाँ पे? जस्ट खड़े रहते थे क्या? ये BGM मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। सीरियसली? इंटरेस्टिंग है। कॉलर ट्यून रखना तो अपने। आप रखो ऐसे कॉलर ट्यून। आप पे सूट भी होगी। रखो। मैं ऐसी आवाज़ नहीं करता। नहीं। சொல்ல சுவாமிநாதன் அவன் சூசைட் பண்ணிக்கிட்டான். கமிங்.
हिट क्यों कर रहे हैं लाइक कोई मार रहा है इस मूवी में सब एक दूसरे को मार रहे हैं बट यहां पे अलग आया कुछ अब हार बदल तो पुरुष के सर चला एविडेंस स्वामी ना जलाया गया है My God. उनके सामने उन्हें कूटीट पे उकार अच्छे करना उन्हें खंडी पन इन्ने पुण्डन तंजर को अन्ना नी इन्ना वाला नो उनको नहीं आता याना को नहीं आता इन्ना उठे तो मिच्छर गया अथवा उन्हें बट्टू चर गया अन्ना पन टो इधर नो பேப்பர் அக்ரிமெண்ட் போட்டு பண்ணுற பிஸ்னஸ்லாம் கிடையாது ஏதாவது பிரச்சனைனா கோர்ட்டு கேஸுன்னு போகிறதுக்கு முழுக்க முழுக்க நம்பிக்கையில் பண்ணுறது உனக்காக சொல்கிறதுக்கு காரணம் இருக்கா கேட்கறதுக்கு நான் இருக்கேன் எனக்கு மேலே ஒருத்தருக்கான் பாரு அவன்கிட்ட எந்த காரணம் சொல்ல முடியாது இங்கே ஒப்பர் கோனே ரோலெக்ஸ் என்ன சார் உன் குடும்பத்தில் நாலு பேர் என் குடும்பத்தில் மொத்தம் 60 பேர் மொத்தமாக அரிச்சிடும் जिंदा जला दिया भाई साहब कैसे हैं ये நம்ம விசாரிக்கிறது அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சார் 7:30 ஏதோ மீட்டிங் இருக்குன்னு சொல்றீங்க இட்ஸ் ஆல்ரெடி 10 ஷாதி ஏதாவது மிஸ் பண்ணிட்டீங்களா ये कल्याण सर सर क्या सीन निकल के आ रहा है यार इस मूवी के तो मतलब हर एक सीन में कुछ ना कुछ नया सामने आ रहा है और हम सरप्राइज हो रहे हैं शॉक हो रहे हैं लास्ट में तो क्या दिखाया उन्होंने एक इंसान को उसकी फैमिली के सामने लाइक सही ये तो बहुत ही ज्यादा क्रूएल था इससे ज्यादा क्रूएल क्या ही होगा लाइक सीरियसली वो भी उनकी फैमिली के सामने उन्हें जिंदा वो भी एफएबीनी के पहले मार दिया जिंदा जला दिया और उसके बाद जो चीज हुई कि वो बेचारे अपनी वेडिंग में जाना भूल गए लाइक सीरियसली और जब उनको पहले वहां पे वो गए थे उस लड़की के पास वहां पे कॉल आया था कि लाइक 4 घंटे बाकी शादी को और वो कहाँ बैठे थे लाइक इफ बाय चांस उनकी टू बी वाइफ को पता चल जाता कि वो शादी के 4 घंटे पहले कहाँ बैठे भले उनका रीजन कोई भी था बट कोई और तो क्या ही सोचेगा ऑब्वियसली और उनकी बीवी को पता भी नहीं है वो क्या काम करती है ऑब्वियसली और वो बेचारी कोई क्वेश्चन भी नहीं कर सकती उन्होंने वो पहले ही मना कर रखा है कि कोई क्वेश्चन मत करना बस कितना गलत है ये तो किसी लड़की के साथ सीरियसली बट उन्हें पता नहीं लगा होगा आई गेस कि वो वहां पे बाहर विंडो से बाहर खड़े होके करते क्या थे बट बेचारे अपनी वेडिंग भूल गए अब देखना ही रहेगा कि वो लड़की उनके साथ क्या करेगी क्योंकि ट्रस्ट तो एक्चुअली अब इन्होंने उनका तोड़ दिया पर पूरे इस सीन का अगर कुछ हाईलाइट था तो वो मॉर्निंग बीजीएम था और वो उसके साथ उन्होंने क्या मतलब बीच बिठाई एंड उसके साथ कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था लाइक वो पहले वो लड़की मौन करके दिखा रही थी और वो बता रही थी लाइक मतलब ये विक्रम सर का कुछ ना कुछ तो भेजा तो है डिफरेंट चलता है लाइक मतलब लड़की को बुलाया हैंडकफ किया और हैंडकफ इसलिए अच्छा है ताकि लड़की बाहर ना जा पाए और उसके बाद ना पाए कि वो क्या कर रहे हैं हाँ और हैंडकफ करने के बाद उसको बोला कि तू बस आवाजें कर और मैं जाके बाहर खड़ा हो जाऊंगा सो लाइक ये मुझे समझ नहीं आया क्या उनका स्कीम था किस तरीके से वो बाहर खड़े होकर क्या करना चाहते थे पर यार ये बहुत ही ज़्यादा वियर्ड था पर वो बीजीएम और वो सब चीज़ जो है ये लैंडमार्क है इसका इस जो मूवी का बीजीएम बहुत कमाल का है और बोला जाता है ना लाइक एक मूवी में जो म्यूज़िक होता है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है काफ़ी मूवीज़ में हम देखते हैं वो उस पर उतना काम नहीं करते हैं पर ये मूवी में बहुत ज़बरदस्त काम किया है एंड वो लड़की भी कैसी थी लाइक वो जैसे ही वो आए अंदर रूम में सो ओके ओके हम काम चालू करते हैं वैसे पर बोले नहीं नहीं और वो भी मस्त था जब फौज फासिल को उन्होंने पूछा कि आपको कुछ नया ट्राई करना है कि वही करना है जो उन्होंने किया सो इतना चलो वही जो उन्होंने किया वही करवा दो सो वो था यार बहुत ही ज़बरदस्त ये मूवी लग रही है और ये सीन भी मॉर्निंग सीन बहुत कमाल का था आप लोगों को ऐसा लगा होगा जरूर बताएगा इसे लाइक करते जाए कमेंट करते जाए शेयर करते सब्सक्राइब करते जाए बाय।